दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। मैं हूं इस वक्त हरिद्वार में और आज के व्लॉग में आप देखने वाले हैं बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जिसका नाम है मां मनसा देवी का मंदिर। मां मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में है और हरिद्वार आप ट्रेन से आसानी से पहुंच सकते हैं, साथ ही साथ बस से भी पहुंच सकते हैं। इंडिया के मुख्य शहरों से हरिद्वार के लिए ट्रेन आपको मिल जाएगी और इंडिया के मुख्य शहरों से आपको हरिद्वार के लिए बसें भी मिल जाएंगी, क्योंकि चार धाम जाने का यही एक मेन रास्ता है, इसलिए आवागमन के साधन आपको यहाँ पर भरपूर मिल जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं हर की पौड़ी से मां मनसा देवी मंदिर। हमने ई रिक्शा किया है जो लेगा 20 रुपये पर सवारी। तो आप ई रिक्शा से या फिर पैदल रिक्शा से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। हमारे पास थोड़ा सा सामान था इसलिए हमने ई रिक्शा कर लिया। मुझे लगता है 10 मिनट में हमको वहाँ पहुँचा देगा। तो आ गए हम लोग मां मनसा देवी के लिए, जहाँ से ट्रॉली जाती है, यानी इसको उड़न खटोला बोलते हैं। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं। हमने ऑनलाइन ही बुकिंग करा दी थी टिकट की। 129 रुपये का टिकट है आने जाने का और यहाँ से 5-7 मिनट लगते हैं ऊपर मंदिर तक पहुँचने में। तो कुछ इस तरह से रास्ता बना हुआ है। यहाँ से आप अपना टिकट, जो आपको ऑनलाइन टिकट मिलता है उसका QR कोड वो लोग स्कैन कर लेते हैं और आप पहुँच जाते हैं। तो हम लोग पहुँच गए, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और इस तरह की ये उड़न खटोले हैं। तो ये जो उड़न खटोला है इसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, छोटा सा है ये। और इस तरह का उड़न खटोला मैं पहली बार देख रहा हूँ, बहुत ही हल्का सा है, झूलता रहता है ये, थोड़ा सा डर भी लगता है ऐसे उड़न खटोले में बैठ के। तो सिर्फ 2 लोग बैठते हैं और यहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा उड़न खटोले का। लोग खड़े रहते हैं जो यहाँ के लोग हैं और दरवाजे खोलते हैं और कस्टमर को बैठाते हैं और फिर उसके बाद उड़न खटोला इस तरह से पहले तो काफ़ी तेज़ी से जाता है ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद जैसे चढ़ाई आती है तो बहुत ही हल्की इसमें। अगर आप पैदल यात्रा करेंगे तो लगभग 700 सीढ़ियाँ हैं और 3 किलोमीटर का रास्ता है हरिद्वार से मां मनसा देवी मंदिर तक जाने का। थोड़ी कठिन है चढ़ाई क्योंकि काफ़ी स्टीप है। और अगर आप ट्रॉली से जाएंगे तो 540 मीटर का रास्ता है सिर्फ, और ज़्यादा ये ट्रॉली ऊंची भी नहीं है, ज़मीन से सिर्फ 178 मीटर ऊँचाई है इसकी। तो आप पैदल भी जा सकते हैं और अगर आपके पास समय कम है और आप चलने में असमर्थ हैं तो आप ट्रॉली से बहुत आसानी से यहाँ पे 5 से 7 मिनट में पहुँच सकते हैं। मंदिर नीचे से ही हमें दिखाई देने लगा है, ट्रॉली का दृश्य बहुत ही सुंदर है। अगर आपके पास भारी सामान है तो आप नीचे जहाँ से प्रसाद लेते हैं, जहाँ से उड़न खटोले का टिकट मिलता है वहाँ पे प्रसाद भी मिलता है, वहाँ से भी ले सकते हैं और मुख्य मंदिर के पास से भी प्रसाद ले सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी भारी सामान था तो हमने नीचे ही रखवा दिया था सामान और प्रसाद भी नीचे से ही ले लिया था। लेकिन ये याद रखिएगा कि प्रसाद ऊपर भी मिलता है और आपको शूज़ वहाँ पे उतारने होंगे, तो जिसके वहाँ आप शूज़ उतारेंगे उससे आपको प्रसाद खरीदना पड़ेगा। तो नीचे से भी हमने प्रसाद खरीदा और ऊपर से भी खरीदा, हमें दोनों जगह से प्रसाद खरीदना पड़ा। और मंदिर में ऊपर पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी कई सारी दुकानें हैं और कई सारे मंदिर हैं, मां मनसा देवी के मंदिर के अलावा और भी कई सारे मंदिर हैं। तो वहाँ पे हर जगह आपको लोग चढ़ावे के लिए बोलेंगे और हर जगह अपने पास बुलाएंगे कि इस मंदिर में आइए, यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाइए, यहाँ पे आना ज़रूरी है। वो आपको डायरेक्ट करेंगे कि ऐसे आइए ऐसे जाइए, आप अपनी इच्छा अनुसार जाइएगा जहाँ पर भी आपका मन करे या जहाँ पर भी आप दर्शन करना चाहें। केबल कार बहुत ही धीरे धीरे चलती है, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं इससे पूरे हरिद्वार के। और इस तरह से ही कुछ रंग बिरंगी केबल कार्स हैं। तो आने वाला है बिल्कुल स्टेशन, ऊपर का जो टॉप का जो सबसे पिलर है वो। बस हम पहुंचने वाले हैं और जैसे ही ये पहुंचेगी 2 लोग इसको केबल कार को पकड़ लेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे और हम लोग फिर उतर जाएंगे। उतर के हम लोग आ गए मंदिर जाने के रास्ते में, यहाँ से बिल्कुल सामने ही मंदिर है और जालियाँ दोनों तरफ लगा रखी हैं क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं, तो इसलिए पूरा प्रोटेक्ट कर रखा है रास्ता। सामने लिखा हुआ है मंदिर, थोड़ा सा ही चलेंगे तो मंदिर आ जाएगा।
पूरे साल भर इस मंदिर में हमेशा आपको भीड़ भाड़ ही मिलेगी। ये फरवरी का महीना है, ठंड है, फिर भी भीड़ है। सामने ये दुकानें आ गई हैं, तो यहाँ पे जूते उतारेंगे। साथ तो ले लिया भैया, कितने का है? नीचे आ जाओ बड़े भाई, नीचे आ जाओ। पानी का माला जहाँ के माता जी का पूरा पूजा परिवार का, अपने 100 रुपए का कम माला दो यार, दो प्रसाद तो ऊपर से खरीद लिया। ये चढ़ता नहीं, खाली मुमरा दिया, प्लास्टिक का लाइए, चावल का नारियल चढ़ता, पानी का तोड़ा जाता है मंदिर में। यहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं, अपने जूते उतार सकते हैं, और कुछ अपने ले जाने के लिए घर भी कुछ सामान आप खरीद सकते हैं। जो यादगार चीजें होती हैं वो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। सामने ही प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है, और यहाँ से थोड़ी लाइन लगनी स्टार्ट हो गई है। हालांकि सुबह सुबह का समय है, अभी 8 बजे है। वाली सर्दियों में 8 बजे खुलती है सुबह, और शाम के 5 बजे तक, और गर्मियों में सुबह 7 बजे खुल जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगी हुई है, अभी यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। और इससे आगे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से आगे कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम दर्शन कर लेंगे लेकिन आपको नहीं करवा पाएंगे। दर्शन हमारे अच्छे हो गए, बहुत ही अच्छा लगा माँ मनसा देवी के दर्शन करके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो के ही नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।